हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज रबड़ी गुजिया बनाने जा रही हूँ गुलाब के शेप में। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए ये मिल चुका है। अब इसे थोड़े थोड़े पानी दे करके इसको सॉफ्ट डो बना लेना है। देखिए ये मेरा डो बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम दूध लिया है। दूध को अच्छी तरह उबाल के गाढ़ा रबड़ी बनाना है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम चीनी लिया हूँ, कप से आधा कप। इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। चीनी डालने से पानी निकलता है और पहले दे देने से पानी सब सूख जाता है, इसीलिए पहले मैं डाल दी हूँ। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, सब ड्राई फ्रूट को डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। नारियल मैंने घर में ही घिस के इसे दिया है। अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। देखिए मिल चुका है। इसमें 2 से 3 इलायची, हरा इलायची का दाना इसमें दे देती हूँ। इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए बन के रेडी हो चुका है। इसे अब उतार लेती हूँ। ठंडा हो चुका है मेरा रबड़ी। चलिए अब आटा देखते हैं। आटा भी मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे मोमो के शेप में छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ। हमें बहुत छोटा छोटा बनाना है। देखिए ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसे बहुत पतला पतला ही हमें बेलना है। इसे फोल्ड करेंगे तो पकेगा आसानी से, इसीलिए पतला बेलना है इसे। देखिए कितना पतला मैंने इसे बना लिया हूँ। इसी तरह से सबको बना लेना है। देखिए बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको हम गुलाब के शेप में, चलिए इसको रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और बनाने में बहुत ईजी है। इसी तीनों को एक साइड में ऐसे उंगली के सहारे से ऐसे करके चाप देना है जिससे ये खुले नहीं। अब छोटे छोटे बॉलों जैसे इसमें दे देना, ज़्यादा मत दीजिएगा जिससे ये मोटा हो जाएगा। अब इस तीनों को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसे चाप देना है। आप पानी भी ले सकते हैं, पानी के सहारे से भी चाप सकते हैं, लेकिन ऐसे भी चाप नहीं, ये खुलेगा नहीं। इस तरह से अब हमें फोल्ड कर देना है। देखिए लग रहा है ना गुलाब के फूल के शेप में, देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमें सबको बना लेना है। देखिए ये सब बन के मेरा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल बैठा दिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है। एक एक करके इसे डाल दीजिए। ज़्यादा आंच पे इसे नहीं पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है।
क्योंकि इसे गुलाब के आकार में बनाया हूँ, इसलिए ये मोटा है। थोड़ा इसे धीमी आंच पे पकाना, जिससे इसका बीच का भाग भी पक जाना चाहिए। देखिए ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह सब गुजिया को धीमी आंच पे पका लेना है। देखिए बन के रेडी हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।